यहाँ के आदिवासी हमारे क्रांतिकारी नेता श्री निर्मल मुंडा जी को भी मैं शीश झुका करके उनको भी मैं नमन करता हूं। लोकसभा प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, इसके लिए भी मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन, और उसको अगर मैं 2 बातों में बताने का प्रयास करूं तो आप याद करो, 10 साल पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? भारत 10 साल पहले एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, देश का साधारण मानवी ये मान चुका था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा। 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन, और उसको अगर मैं 2 बातों में बताने का प्रयास करूं तो आप याद करो, 10 साल पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? भारत 10 साल पहले एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, देश का साधारण मानवी ये मान चुका था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा। एक उदासीन मानसिकता थी, कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां भ्रष्टाचार ही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, राजनीति से कोई अंतर आने वाला नहीं है। 10 साल पहले भारत का साधारण आदमी इस बात को सोच रहा था, लेकिन 10 साल में मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता, एक एक पल देश के नाम जी करके मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज वही भारत 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा, ये परिवर्तन आ गया। आज हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, दुनिया बोल रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो करके रहेगा और विकसित भारत बन करके रहेगा, ये दुनिया बोलने लगी है। मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का रंग ढंग, भारत की राजनीति की सोच 10 साल में बदल डाली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले हम चुनाव में क्या देखते थे? जाति की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, फूट डालो, राज करो, अपना उल्लू सीधा करो, सत्ता पर बैठो और अपने परिवार की चिंता करो, और जनता जाए जहां जाना है, इस तरीके की राजनीति चलती थी। भाई को भाई से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे। मोदी जी ने इन सब को धत्ता दिखाकर विकासवाद की राजनीति चलाई और देश को विकास की ओर ले चले और विकसित भारत की तरफ चल पड़ा आज मोदी जी के नेतृत्व में।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।